काजल, सुधा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरी बार दिख रही हो यहाँ, दोबारा यहाँ आना मत वरना मैं निकलो यहाँ से। जाओ, खड़ी क्यों हो? सुनाई नहीं दिया क्या? ऊंचा सुनती हो तुम दोनों। चलो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, निकलो, चलो। क्या कर रही है हाँ? क्या लगता है तुम लोगों को? जब मर्जी जो मर्जी बोलते रहोगे और हम सुन के लेंगे हाँ? बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है तुम लोगों को और कुछ नहीं। काजल थोड़ा आराम से, आरवी सुन लेगा तो उसको बुरा लेगा, समझे कि नहीं? सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ प्राची, तुम्हें तो पता होगा ना। क्या? कल आरवी ने तुम्हें ही तो फोन करके बताया था ना कि कल वो जरूरी काम से कुछ बाहर जा रहा है और उसी जरूरी काम की वजह से कल वो घर पर नहीं आ पाएगा। तो हमने सोचा कि शायद अब वो आ गया होगा, हमें दिखाई नहीं दिया, तो हमने सोचा कि चलो हम ही मिल लेते हैं उससे चल के। आरवी, आरवी बेटा। अरे मिलने ही तो आए हैं, तुम्हारा दामाद, हमारा दामाद, फालतू में इतनी बातें सुना दी तुमने। हाँ आरवी, आरवी बेटा, आरवी। अरे पूर्वी तुम यहाँ हो तो आरवी भी यही होगा, बुलाओ ना उसे, हमसे भी मिलवाओ। क्यों, क्या काम है आपको? अरे अभी तो बोला, सुनाई नहीं दिया? मेल जोल बढ़ाने आए हैं, सिर्फ मिलना ही तो है उससे, पड़ोसी होने के नाते इतना तो हक बनता है ना हमारा, है कि नहीं? आरवी, आरवी बेटा, आरवी बेटा, बस बहुत हो गया। ये कोई रंगमंच नहीं है जहाँ नाटक करने आए हैं, घर है हमारा, मोहल्ले का गली नहीं है जहाँ तमाशा हो, जाइए यहाँ से प्लीज, बहुत हो गया। अरे कैसे लोग हो तुम लोग, बड़ी बदतमीजी से बातें करते हो, कम से कम बातें तो तमीज से कर लिया करो। हाँ और क्या, अगर तमीज से बातें करते ना तो पूर्वी को हम अपनी बेटी मानकर उसकी कमियों पे पर्दा डाल देते। एक मिनट, क्या बोला आपने? क्या सुनाई नहीं दिया प्राची तुम्हें? फिर से सुनना चाहती है? शादी से पहले तुम्हारी बेटी का तीन तीन लोगों के साथ रिश्ता रहा। और अब शादी के बाद एक भी नहीं। बस बहुत बोल लिया आपने, बहुत सुन लिया हमने, हम लिहाज रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप जो मुंह में आए बोल सकते हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझिएगा, और वैसे भी आप लोगों की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता है नहीं। निकलिए यहाँ से, तमीज की बातें कर रही हैं आप, खुद की भाषा सुनिए कैसे बात कर रहे हैं। ना तमीज है ना शर्म है, कुछ नहीं है आप लोगों में, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हम आपके बिना निभा लेंगे जैसे तैसे, ठीक है? जाइए जाइए, निकलिए घर से, निकलिए। अरे इस पे क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी बेटी के साथ और तुम्हारे परिवार के साथ जो बुरा हुआ है ना, हम तो पड़ोसी होने के नाते सिर्फ मदद के लिए आ गए। चलिए हाथ लगाने की गलती भी मत करना, मैं काजल नहीं हूँ जो हर बात बर्दाश्त कर लूंगी तुम्हारी। ओए हट परे, सही कह रही है हाँ? हाथ मत लगाना, अरे इनको तो धक्का मारो धक्का हाँ? और अगर अभी नहीं निकली ना तो धक्के के साथ साथ ना और भी कुछ मिलेगा। खसमानु खानी, ओए निकल, ओए निकल, चल हट, निकल बाहर, निकल निकल बाहर, निकलो निकलो, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चल हट, धप्पा हो जाओ यहाँ से। खुद की बेटी संभलती नहीं और हमें धक्के मार के निकाल रहे हैं हाँ? अरे दरवाजा बंद किया फिर भी बोली जा रही है, नालायक कौन सारी दुनिया दे रही है, अभी दिखाती हूँ, अभी चाहती हूँ या फिर हाँ? दरवाजा बंद कर, शर्म नहीं है हाँ? निकलो यहाँ से, हाँ दिखाती हूँ मैं तुमको, दोबारा आई ना तो देख लेना। अरे जा अपने घर, अपना घर संभालो, संभाल लेंगे उनको, तुम अपना संभालो। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।